गुड uh, इवनिंग दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग उम्मीद कर आप कनेक्ट हो पाए हैं तारीख है आज एक की, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे सीरियसली दोस्तों जी, हाँ। <coughs> कैसे हैं दोस्तों जुड़ जाइए फटाफट और शेयर किस सेशन को जल्दी से प्रारंभ करेंगे अपना लेट इवनिंग एटोरियल हम लोग आपके साथ आज के मुद्दे हैं बात करने के लिए हमारे पास कुछ खास कुछ नए बातचीत करने के मुद्दे हमारे पास होंगे दोस्तों एक बार मैं थोड़ा सा मुझे एक दीजिएगा एरा इसका मैंने सेटिंग नहीं किया है अब तक मुझे सेट करने दीजिए चीजों को और मुझे यहाँ लगाना है इसको उह हूं गुड uh, इवनिंग दोस्तों नमस्कार कैसे है चलिए प्रारंभ करें आप जल्दी से और आज के सेशन हमारे पास बात करने के लिए क्या आर्टिकल्स हैं कैसे हैं आप लोग अप्रैल लग गया रात से तो है ना तो आज हमारे पास क्या आर्टिकल है बात करने के लिए दोस्तों तो आज मैं बात करूंगा रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट सूर्य सरकार ने जो लॉन्च किया है सूरज बात करें हम लोग तो रूफ टॉप सोलर पे क्या इश्यूज आ रहे हैं रेगुलेटर के सामने जो स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज हैं एस जो हमारे पास उनके सामने क्या इशूज हैं

सरकार के सामने दुविधा है कि एक तरफ मनरेगा के कर्मचारी हैं वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं बायो उनका उनके उनके बायोमेट्रिक साइन नहीं हो पा रहे हैं और उनको उनका जॉब जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है तो क्या ये सही है हमें वर्कर वेलफेयर में जाना चाहिए या हमें इट्स टेक्नोलॉजी के नाम पर उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए कि आपका थम नहीं मिल रहा आपका थम्र नहीं मिल रहा उससे एक्सक्लूड कर देना चाहिए बात करेंगे इसकी दोस्तों आपके साथ फिर बात दो मुद्दे हैं बात करने के लिए आपके साथ दो मुद्दों में एक तो है पॉलिटिकल कोर पॉलिटिकल इशू है लेकिन बात करेंगे उसके अपन इंटर सिक्योरिटी एस्पेक्ट की लॉ एस्पेक्ट की दोस्तों वो है मिस्टर केजी वाली गिरफ्तारी का इशू और इसकी कहानी आपने सुनी जरूर होगी क्या हो रहा है मामले जानते होंगे आप लोग लेकिन एक एक लीगल एस्पेक्ट देखेंगे आपके साथ जो पूरा केस हुआ है पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो आएगा ही साथ में उसके और फिर दोस्तों मैंने तैयार किया आपके लिए हाइड्रोजन वाला लेक्चर अपना हाइड्रोजन पे सरकार क्या कर रही है आपके लिए हाइड्रोजन पॉलिसी पॉलिसिया बात की थी मैं बात करूंगा तो उस पर एक कर मैं तैयार किया आपके लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ठीक है तो हमारे पास चार चीजें बात करने के लिए इतने कितना बात कर पाते हैं आपके साथ बाकी फिर देखेंगे समय होगा तो एमसीक्यू करेंगे आज करने थोड़े कम लग रहे हैं कुछ होता नहीं है।, देखो, होता क्या है मुझे लगा मेरे पास आज शाम घंटा है या मुझे लगा 45 मेरे पास है। चलो एक क्लास ले देते हैं तो वो थोड़ा सा रहता है मेरे यूट्यूब ऐसे रहता है बाकी जो आप पे क्लास चल रही है वो ठीक है लेकिन यूट्यूब का थोड़ा सा जब समय होता है मेरे पास मैं लाइव आ जाता हूँ आपके संग और आपको नोटिफिकेशन देता हूँ अपने टेलीग्राम या बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पर तो वहां जुड़े हैं तो अच्छी बात है नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख ले मुझे कोई इशू नहीं है उसके साथ आ, ना देखें तो और अच्छी बात है कोई समस्या नहीं है लेकिन आप देखना चाहते हैं तो कोई फिक्स टाइम नहीं है इवनिंग में स्लॉट होते हैं नल्लि मेरे पास इवनिंग में ही स्लॉट होते हैं यूट्यूब के लिए तो आफ्टर सिक्स पी ही स्लॉट होगा जो होगा यूट्यूब के लिए मेरे पास तो सिक्स टू सेवन होगा या सेवन टू एट में क्लास कर दूंगा कभी मैं आपकी या फिर टेन टू इलेवन के बीच क्लास होगी आपकी तो दो स्लॉट होते हैं मेरे पास

तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लॉन्च हो रहा है दोस्तों बैच कल शाम चार बजे तो जुड़ना चाहें जुड़ जाइए अपनी ऐप के ऊपर जाकर जहाँ पर एक कोर्स बाय कर सकते हैं आप सेकेंड ऑफ अप्रैल से शाम चार बजे बैच चालू हो रहा है कल ये अपना हिंदी स्पेसिफिक बैच है दोस्तों कैप का ये बैच हिंदी स्पेसिफिक होगा जुड़ सकते हैं मेरे तो संग आप लोग यहाँ पर जहाँ पर हम लोग एटीन मंथ का करंट अफेयर्स करने वाले हैं इकोनॉमी आई गवर्नमेंट स्कीम सब कुछ करेंगे दोस्तों बाकी एक टेलीफोन नंबर दिया है एक यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ये नंबर पे आपको जानकारी दे दी जाएगी इस बैच के बारे में पूरी इस नंबर जोड़ने के लिए आप ये व्हाट्सएप ये क्यू कोड यूज कर सकते हैं बाकी फीस देखिए इसका क्यू कोड भी यहाँ लिखा हुआ है फीस पे करके आप यहाँ पर अपना सिर्फ स्क्रीन शॉट कैसे कर, कर सकते हैं व्हाट्सएप पर इसे आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का दोस्तों ठीक है चलिए प्रारंभ करते हैं बिना देर की आपके संग सेशन को अपने जो मुझे नहीं जानते मैडम दोस्तों आशीर्वाद क्लास को प्रारंभ करेंगे जल्दी से हम लोग आपके संग आज <coughs> रूफट सोलर सोलर पावर जस्ट मिनट सोलर पावर चैलेंज टू पावर रेगुलेटर चाहिए दोस्तों बात करते हैं क्या मुद्दा है ये

सोलर रूफटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जिससे वो अपने पावर जनरेट कर सकें खुद के घर पे आइए बात करते हैं चैलेंज क्या है यहाँ पर ठीक है ओके okay, दोस्तों इशू ये है कि मान लीजिए एक हाउस होल्ड है ठीक है हाउस होल्ड है उसने अपनी छत पे सोलर पावर सोलर पैनल लगाए ठीक है और उससे घर में मीटर भी लगाए दोस्तों यहां पर मीटर भी लगाए घर में जहां से बाहर खंबे पर से लाइट उसके घर में आती है जानते हैं आप लोग आप यहां पर मीटर लगा होगा आप जो कंज्यूम कर रहे हैं लाइट लेट से आपने टेन यूनिट कंज्यूम किया दिन भर के अंदर और आपने फाइव यूनिट यहाँ भी सरप्लस बना लिया आपने पाँच यूनिट आपने यहाँ से यूज़ किया अब ये जो मीटर होगा आपके घर में जो लगा है ये नेट मीटर होगा नेट मीटरिंग कर रहा होगा नेट मीटरिंग कर रहा होगा आपके घर का ये नेट मीटरिंग कर रहा होगा घर में यानी कितना आप बाय कर रहे हैं और कितना आप सेल कर सकते हैं इस खम्भे को यानी इस डिस्कॉम कंपनी को आप कितना सेल कर सकते हैं डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आप कितना सेल कर सकते हैं और कितना आप बाय कर रहे हैं उससे उसका नेट निकालेगा और आपको उतना बिल पे करना होगा या आपको कंपनी वो देगी अब सवाल ये है कंपनी आपको घर में सप्लाई जो डिस्कॉम है दोस्तों समझिएगा एक बार समझा देगा डिस्कॉम जो है वो यूजर को किस रेट पे दे रही है लेट से दिल्ली की बात में करूं तो मान लो एट रुपीज पर यूनिट ठीक है ये आप दिल्ली में कंज्यूम कर रहे हैं बिजली हमारे यहाँ चलो दो यूनिट फ्री है उसके बाद आपको एट रुपीज़ पर यूनिट लगता है मान लीजिए जो भी रेट होगा ये यूनिट चल रहा है आपका अब यूजर जो बनाएगा बिजली घर में जो अपने घर में बनाएगा वो डिस्कॉम को बेचेगा और इकोनॉमी नियम ये कहता है कि जितने का बनाओ उतने का बेचोगे आप यानी आप यूजर डिमांड करेगा भाई एट रुपीज दो मुझे आप पर यूनिट के हिसाब से तो क्या ये डिस्काउंट एट रुपए में ले पाएगी इसको कि डिस्काउंट करती क्या है डिस्काउंट ये करती हैं डिस्काउंट करती क्या है डिस्काउंट ये काम करती हैं कि क्रॉस सब्सिडी का पंगा पालती है क्रॉस सब्सिडी क्या होता है क्रॉस सब्सिडी होता है हमारे यहाँ पर कि मान लीजिए पचास यूनिट बिजली है इसके पास डिस्काउंट के पास पचास यूनिट बिजली है रूरल इलाके में डिमांड है लेट्स से तीस यूनिट की और अर्बन डिमांड है बीस यूनिट की ठीक है पीछे से ये डिस्कॉम कंपनी जो है मान लो डिस्कॉम कंपनी यहाँ पर दिल्ली मान लो टाटा पावर है ऐसे टाटा पावर है दिल्ली में ये एन टी पी सी बिजली खरीदती होगी मान लो तो एन टी पी सी ने उसको पचास यूनिट बिजली दी और उसका रेट लगा दिया उसने फोर रुपीज़ पर यूनिट ठीक है फोर रुपीज़ पर यूनिट यानी टू हंड्रेड रुपीज़ का बिल हो गया जो एन टी पी सी को देगा टाटा पावर ठीक है टू हंड्रेड का बिल हो गया अब पचास यूनिट में किसानों को कहते हैं काम करो गांव में ना एक रुपए देते हैं यूनिट आपको ऑलमोस्ट फ्री देते हैं कई बार तो ये लोग तो थर्टी रुपीज देते हैं गांव में मिलते हैं इनको थर्टी रुपीज गांव से कलेक्ट करते हैं बिजली वाले अब इनको देना टू हंड्रेड तो वन करना, करना पड़ेगा अर्बन एरिया से तो अर्बन का रेट क्या हो जाएगा यहां पर एट पॉइंट फाइव रुपीज पर यूनिट शहर में से साढ़े आठ रुपए की यूनिट जिससे वन सेवनटी रिकवरी कर सकें अपनी ये और टोटल टू हंड्रेड निकाल कर दे सके एन टी पी सी को इसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडी यानी एक को बहुत सस्ता देना और एक को बहुत महंगा देना ठीक है जैसे इंडियन रेलवे करता है आपके लिए इंडियन रेलवे का नाम सुनोगा आपने करता है जो आ, वो ये होता है कि आपको मालगाड़ी पर बहुत ज़्यादा अगर मुझे पार्सल भेजना है बाहर या मुझे कुछ कुछ फ्रेट भेजना है बाहर तो बहुत सारा टैक्स लगाता है मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज करता है और यही मुझे अगर मुझे यात्रा करनी है जनरल डिब्बे के अंदर तो जो टिकट होगा टिकट का दाम वो उसकी लागत से बहुत कम होता है इवन स्लीपर क्लास में उसको लागत से कम होता है यानी कहीं ना कहीं रेलवे क्या कर रहा है यात्री किराए को कम रखता है और माल भाड़े को बढ़ा देता है वो डिस्कॉम कर रही है रूर इलाके में सस्ता रखती है फ्री रखती है किसानों को सस्ती बिजली चाहिए और अर्बन यूजर से महंगा वसूलती है अब इंपॉर्टेंट बात क्या होगी अर्बन यूजर जो दे रहा है बिजली क्योंकि ये तो कितने के ले रहे हैं चार रुपए की ले रहे हैं पीछ, है ना पीछे से अब मैं अर्बन यूजर हूं मैं बिजली बना रहा हूं अपने यहां पर अब सोलर पावर से तो मैं कितने रुपए की बेचूंगा मैं चाहूंगा साढ़े आठ रुपए दो मुझे आप अब लेकिन डिस्कॉम कंपनी कहेगी यार मैं आशीर्वाद साढ़े आठ रुपए क्यों नो बिजली जब एन टी पी सी में चार रुपए दे रहा है तो एनडीपी चार की दे रहा है तो साठ की क्यों लू आपसे तो यहां पर क्या पंगा होगा अब अर्बन यूजर कहेगा भैया मैं आपसे बिजली दे रहा हूँ और उसके बाद आप मुझसे ले रहे हैं यहाँ पर तो मैं बराबर रेट होना चाहिए तो वो एनटीपीसी का चार रुपया लाइट नहीं छोड़ने वाला क्योंकि तो अग्रीमेंट कर रखा है लंबे अग्रीमेंट कर रखे हैं उसने वहां पर तो यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर जो रूलर कस्टमर पैदा करेगा वो करेगा क्या खरीदेगा एक रुपये बेचेगा चार रुपये में यहाँ पर इनको तो मुश्किल आएगी इनके लिए तो यार तो, तो महंगा बेचे यहाँ पर इनको वो चार रुपएगा भैया ले तो भी लो चार तो बिजली बाय करने वाले हैं वो यूजर से, इस योजना के तहत ठीक है? है क्योंकि हमारा किसान केवल किसान नहीं है वो कुसुम योजना के तहत पावर सप्लाई करना चालू कर रहा है जी हाँ ऑलमोस्ट हमारे पीएम साहब कहते हैं कि हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता बनने वाला है बन रहा है हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता ठीक है तो एक एक चांस हो सकता है ये ऐसे में स्टेट रेगुलेटर की समस्या क्या है वो समझिएगा अब ये बॉडी कौन है और क्या काम करती है ये स्टेट रेगुलेटर नोन एज एस ई आर सी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एस ई आर सी राज्य विद्युत नियामक आयोग ठीक है हमारे देश में कमीशन एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू थाउजेंड थ्री का ठीक है ये एक्ट कहता है कि देश में एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन होगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होगा ठीक है और हर राज्य में होंगे एस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होंगे देश में प्राइस क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का आपके राज्य में जो बिजली बिक रही है उसे कौन तय करेगा उसका दाम कौन तय करेगा वो तय करेगा एस सी काम उसको दिया गया है बाकी रेगुलेटरी बॉडी यही है मेन लेकिन जो जो प्राइजिंग ऑथोरिटी होगी राज्य के अंदर वो एस होगी क्लियर है जैसे दिल्ली में एस जो होगी दिल्ली सरकार ने कभी दो सौ यूनिट फ्री देंगे बिजली आपको दो यूनिट फ्री बिजली देना चाहते हैं हम लोग तो ये कौन बताएगा ये एस आर सी बताई ना मेरे राज्य की कि कितना यूनिट फ्री देना है कितना बिल लेना है कितना रुपये यूनिट देना है मुझे इसलिए हर राज्य में बिजली का दाम हमारे यहाँ अलग अलग है तो एस सी तय करती है अब एस सी को ही तय करना होगा कि डिस्कॉम कितने का बेचेगी अर्बन रूलर को और कितने का इनसे खरीदेगी तो यहाँ पर राइटर बता रहा है हमारा लेखक बता रहा है कि जनाब ये जो एक्ट ये सरकार जो स्कीम लेकर आई है एस सी आर सी के सामने चैलेंज पेश कर रही है क्योंकि एक वोट बैंक भी है इसके पीछे क्योंकि एस सी आर सी का सस्ता कहेगा लेने को तो जनता की बुराई होगी यार कि पीएम साहब ने इतना अच्छा पैनल लगवाया हमारे यहां पर और एस सी आर सी रही है हमसे तो अगर एस आर बहुत कम प्राइस रखती है मान लो कस्टमर से कहती है तुम चार रुपए बेचो एस आर मान लो प्राइस सेट करती है फोर रुपीज एन टीपीसी पर ले रहे हैं आप जो प्राइस जो एन टी दे रहा है डिस्कॉम को उसी रेट पर यूजर भी बेचे डिस्क चार अगर वो ये करती है तो इसमें लोग अपने घरों में सोलह पैनल नहीं लगाएंगे फिर बहुत सीधी बात है यार सरकार कितना भी सब्सिडी दे दे फिर आपको एक करोड़ परिवारों को कोई लगा अठारह बीस हजार रुपए अपने यहां पर सेवेंटी एट थाउजेंड की सब्सिडी मिलेगी आपको डेढ़ लाख के खर्चे पर तो मेरे को सेवेंटी थाउजेंड जेब्स लगाना है अपनी चतर हजार का, का निवेश कोई नहीं करने वाला यदि आपको लगता है कि चार रुपए खरीदेंगे बिजली आपसे तो ये लोग तो ये एक बड़ा मुश्किल काम होगा लोगों में अट्रैक्टिव नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट ये कोई निवेश नहीं करने वाला फिर अगर आप इसको महंगा करते हैं तो चैलेंज क्या है डिस्कॉम को महंगा हो जाएगा यार डिस्कॉम कहां से लेगी बहुत यार और बहुत ही सस्ता कर दिया तो डिस्काउंट तो डिस्काउंट लेना चाहेगी लेकिन सप्लायर देना नहीं चाहिए पर पर. तो सूर्योदय तो योजना ठीक है तो क्या क्या चुनौतियां एस सी के सामने आने वाली है एक तो प्राइस मैकेनिज्म प्राइस प्रणाली क्या हो उसको लेकर चुनौती है यहां पर कैसे डिस्कॉम और यूजर सप्लाई जो कर रहा है जो यूजर जनरेट कर रहा है बिजली जो जो मेरा पीएम एम सूर्योदय योजना के तहत जो बेनिफिशरी है या कुसुम योजना का बेनिफिशरी है तो कुसुम योजना या सूर्योदय योजना जो हमारे यहाँ चल रही हैं इनके जो बेनिफिशरीज़ हैं इनमें कैसे बैलेंस बनाया जाए ये एक बड़ा चैलेंज होगा हमारे डिस्कॉम के सामने एस के सामने दूसरा एक एक जो बात कही जा रही है कि ये इसका सॉल्यूशन कहाँ छुपा है छुपा है स्टोरेज में स्टोरेज में स्टोरेज करना पड़ेगा आपको मतलब एक चैलेंज ये भी स्टोरेज का यहाँ पर स्टोरेज करना पड़ेगा क्योंकि होगा क्या जब डिमांड नहीं है लाइट की मान लो मेरे घर में ठंड का मौसम है या बहुत बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है लाइट की तो सारे घरों में डिमांड नहीं है लाइट की उस मान लो ए सी बंद करके बैठे ठंडा मौसम हो गया है ए बंद करके बैठे हैं सब परिवार फ्रिज बंद करके बैठे हैं या मान लो बहुत यूज नहीं कर रहे हैं कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो सब बिजली पैदा कर रहे हैं उस समय तो ठीक है और सब मांग होगी तो पीक मांग एक साथ होगी अपने आप में तो सबकी बिजली एक साथ आएगी आपको मिलेगी सरप्लस यहाँ पर और क्या होगा जब कमी आएगी तो सबके एक साथ कम हो जाएगी तो कैसे मैनेज करेंगी कंपनियां तो सबको बिजली कम पड़ रही है और जब सरप्लस बिजली पैदा कर रहा है डिमांड नहीं है आपके यहाँ पीक सीजन नहीं है कोई लेम सीजन है तो सब लोग बिजली पैदा कर रहे हैं तो बिजली कंपनी डिस्कॉम कंपनी कैसे रेगुलेट करेगी इस बात को और बड़ा चैलेंज एसीआरसी कैसे करना देगा इसको तो यहाँ पर आपको स्टोरेज क्रिएट करना पड़ेगा बड़े स्केल मैसेव स्केल पर नॉन पीक टाइम में जो बिजली पैदा हो उसको स्टोर कर पाए और स्टोर पैदा करने के लिए ऑफर होना चाहिए डिस्कॉम निवेश कर स्टोरेज पैदा करने के लिए अगर वो स्टोरेज पैदा नहीं कर पाएगी तो खरीदना नहीं चाहेगी वो पावर सेक्टर से नहीं खरीदना चाहेगी घरों से से वो घर कब खरीदना चाहेगी बिजली जब उसका स्टोरेज होगा अब ये स्कीम की सफलता किस पर टिकी है कि स्टोरेज कितना करती हैं हमारी कंपनियां अब स्टोरेज के लिए समस्या वही अपने आप में एस क्या आपको वहां पर इंसेंटिव मिलते हैं एस से कैसे रेगुलेट करते हैं स्टोरेज को बिजली को आप तो निश्चित तौर तो पर बड़ा चैलेंज होगा सेकेंड नंबर स्टोरेज बेसिस पर क्योंकि विदाउट स्टोरेज कोई डिस्कॉम कंपनी खरीदने वाली नहीं है ग्राहकों से लाइट वो जानते हैं खरीद के कहा रखेंगे यार पीक टाइम नहीं है पीक सीजन नहीं है ये वो बिजली वो चीज़ है ना यार आप अगर आपको डिमांड है तो तुरंत पैदा होनी चाहिए वहां पर ऐसा नहीं होगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है मिठाई बनाकर लिए दिवाली के पहले दिवाली के दस दिन तक बेचते रहेंगे उसको कि भाई पीक सीजन आएगा मई जून में बना के रख लो आज बिजली मैं में यूज करेंगे उसको ऐसा नहीं हो सकता आपको उस समय पैदा करनी पड़ेगी बिजली हाल और उस समय जब बिजली पैदा करेंगे सबकी मांग बढ़ चुकी होगी तब आपको सप्लाई भी नहीं आ रहा पीछे से कोई तो ये जो बैलेंस होगा बिगड़ जाएगा अपने आप में जो पीक और नॉन पीक का जो बैलेंस है पीक टाइम पर डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है बिगड़ जाएगा इस योजना से ऐसा मानना है यही चैलेंज है एस के सामने तो तीसरा चैलेंज वही है कि मेंटेन डिमांड सप्लाई ड्यूरिंग पीक आर्स एक बड़ा चैलेंज है यहां पर ठीक है तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं तो सॉल्यूशन पर है सॉल्यूशन नंबर सॉल्यूशन नंबर एक बहुत बात है अच्छी बात कही राइटर मुझे हमारे पास तो विवाद तो सुनने गया होगा आपको रेट शुड बी वन विच इज कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ द डिस्काउंट ठीक है अगर चार रुपए में वो एन से ले रहा है तो वो चार रुपये से कम में लेना चाहेगा वो सीधी बात है आपसे तो डिस्कॉम मेकिंग फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर देम बाय सोलर पावर तभी खरीदेगा आपसे वो अगर वो चार रुपये एन से ले रहा है तो अब तीन रुपये में सप्लाई आपका घर करेगा तब तो, तो लेगा डिस्काउंट आपसे वरना नहीं लेगा वो सीधी बात है ये बात है दूसरी बात इतना हाई हो कम से कम कि जो निवेश कर रहा हूँ मैं घर में अपने जो मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ सोलर पैनल मुझे फ़ायदा होना चाहिए मुझे फिजिबल होना चाहिए सस्ता होना चाहिए तब मेरा निवेश बाहर आ पाएगा तो दोनों के सामने बड़ी चुनौती है डिबेट हो ही चालू अपने अपने ठीक है तो समाधान क्या है उसके बाद बताया बाय स्टोरेज करना पड़ेगा इनको ये बड़ी समस्या रहेगी इनके साथ ठीक है इसके अलावा और पीक टाइम जो है इसमें बिजली का रेट अलग कर दीजिए बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बात पहले भी कई लोग कह चुके हैं क्या करें मतलब मान लो मैं कहता हूं कि मान लो गर्मी का मौसम मई का मौसम है लेट से गर्मी का आम ओके 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 ये था लिसन तो पर कह रहे हैं कि मान लो मई का महीना है और मई में हम जानते हैं सिक्स पीएम से लेकर 12 तक काफ़ी गर्मी होती है एसी भी सब चलाते हैं लोग यूज करते हैं मैक्सिमम अपने घरों में रहते हैं इस समय सब लोग ऑफिस में नहीं होते सब लोग लो घरों में होते हैं और डिमांड काफी ज्यादा होती है हीट की पीक ठीक है तो एक काम कीजिए इस समय बिजली का दाम कर दीजिए आप दस रुपए पर यूनिट ठीक है और जो नॉन पीक टाइम है उसमें कर दीजिए चार रुपये पर यूनिट बिजली का दाम रेट से अब क्या होगा यूजर ये देखेगा कि मुझे पीक टाइम में अगर मैं फ्रिज चलाता हूँ तो मैं चलाओ फ्रिज है थोड़ी देर बंद कर दो फालतू के टाइम में या वॉशिंग मशीन चलानी है मुझे तो वॉशिंग मशीन को मैं टाइम कर दूँ रात को बारह बजे के बाद करूँ या लगा के सो जाओ आराम से या सुबह छः बजे कर लूँ मैं पम्प तो चलाना है मुझे मैं रात को समय ना चलाऊँ समय चलाऊँ तो इससे क्या होगा इससे बिहेवियर बदलेगा लोगों का और पीक टाइम जो होता है वो बिजली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे चौबीस घंटे में आपकी तो पीक का हो जाएगा आपने बिजली का अपने रेलवे तो तो है है? पीक, पीक का, रेट, जैसे हो गया ना यार अपने का कि पीक टाइम पे है तो बढ़ा दो टैरिफ को या आजकल कर जो कई और जगह देखते हैं हम लोग आपके आप खाना ऑर्डर करते हैं भैया है, पीक टाइम चल रहा है हमारे राइडर बिजी हैं तो ज्यादा चार्ज लगेगा आपके ऊपर तो पीक टाइम का चार्ज आप थोड़ा बढ़ा दो से लोग पीक टाइम में यूज ना करें सड़कों को पीक टाइम में यूज ना करें हीटर को पीक टाइम में यूज ना करें अब गीजर पानी गर्म करना है वॉशिंग मशीन लगानी है लोग नॉन पीक टाइम में लगाए उनको पीक टाइम चलो इसी चलाना है गर्मी है, गर्मी है चलो चला लो, बाकी एक्टिविटी आप नॉन पीक टाइम में करो तो एक सोल्यूशन है यहाँ पर क्या बस अन्य सभी को मेरी यहाँ पर सोल्यूशन क्या दे रहा है राइटर हमें और ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन अपने आप में हो सकता है कि मुझे मालूम होगा शाम को छह से लेकर रात के बारह के बीच में हम बात करें यहाँ पर इस टाइम टेन रुपीज या ट्वेल्व रुपीज़ पर यूनिट है तो मैं घर की एक्स्ट्रा लाइट बंद कर दूंगा इस समय यार मैं डिमांड्स अपनी एनर्जी बचाना चाहूँगा कहीं ना कहीं घर की के बच जाए मेरे यहाँ पर हम चाहेंगे क्योंकि होता क्या पूरे डेली किसी भी समय एक्स्ट्रा लाइट का बिल आएगा तो आपको पंतर नहीं पड़ता आप लोग चलना चाहते हैं मशीन भी चला लो ये काम भी कर लो कुकिंग भी कर लो सारा काम कर लो इस समय अब वहीं आपको मालूम है रात को बारह बजे से सुबह छः बजे के बीच में टैरिफ कम रहेगा जैसे पहले पहला बताया मोबाइल होता था हमारे हाथों में याद है दो हज़ार की बात करूँ जब मैं कॉलेज में होता कॉलेज में तो हम लोग तो रात में फ़ोन कॉल फ्री होते थे दस बजे के बाद आउट इनकमिंग फ्री होती थी अब हॉस्टल लाइफ थी तो आप समझ सकते हैं मतलब लैक ऑफ रिसोर्स होते हैं हमेशा तो ऐसे मोबाइल रखना बड़ा लग्जरी होता था हमारे पास तो उसी में आपको बात भी करनी है तो आउट गोइंग दिन में करना है तो रात नौ रुपए दस रुपए पर मिनट और रात में करना है तो एक रुपए पर मिनट और रात में इनकमिंग फ्री तो रात में बात करते थे आराम से बैठकर क्या अंतर पड़ रहा था बिहेवियर चेंज हो गया था ना आपने शायद वो दे नहीं देखे होंगे लेकिन एक टाइम था जब इंडिया में इनकमिंग पर भी पैसा लगता था हमारे यहाँ पर तो इनकमिंग रात में आती थी लोग रात में बात करते बैठ के आराम से तो लोग बिहेवियर चेंज किया वही हमें हो जाएगा मुझे मालूम है पीक टाइम में क्या करना है पीक टाइम में नहीं क्या नहीं करना है अगर ऐसा हम बना पाए तो पीक टाइम बहुत तेजी से कम हो सकता है और फिर यहाँ पर सोल्यूशन निकल सकता है क्या बात समझिए दोस्तों एक बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगा मुझे अच्छा लगा पढ़ के इसलिए मैं आपको टिकल करा रहा यहाँ पर ये तो यहाँ पर उन्हें अपना चेक करना होगा कि सेट दिया टेम्परेचर कितना रखे हैं वो अपने अपलायसेज को किस समय चलाए स्मार्ट मीटर लगा हो उनके यहाँ पर उनको मालूम है कब पीक डिमांड हो रही है उनके यहाँ पर कब ऑफ पीक पावर है उनके पास तो गीजर लगाना है वॉशिंग मशीन लगानी है कब यूज करना आसान रहेगा उनके लिए तो अगर ऐसा हो जाए तो पीक पावर उनको मालूम पड़ा राइट प्राइस क्या चल रहा है जिससे वो अपने टैरिफ अपने प्रोग्राम को सेट कर सके दिन भर के लिए तो ये एक सोल्यूशन दिया है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि डिस्कॉम को तैयार करना ही होगा आपको लेकिन यार मालूम है सारी समस्या डिस्कॉम के ऊपर आ गई है मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कहूँ कोई भी स्कीम जो डिस्कॉम पर डिपेंड है ना हमारे यहाँ पर डिस्कॉम बहुत ज्यादा घाटे हुए देश में बहुत ज्यादा हैवी डेफिसिट में है बोलना नहीं चाहिए हमको यहाँ पर इंडिया में मतलब एक डिस्कॉम हो गया एक टेलीकॉम वाले हो गए महा घाटे कंपनियाँ मतलब ऐसा ही ढूंढो सर्विस सेक्टर दोनों एक प्रकार के हैं ये एक टेलीकॉम कंपनियाँ हो गई ठीक है जो यूजर से पैसा लेती हैं बिल लेती हैं डिस्कॉम हो गई जो आप घर में बिजली पहुंचाते हैं और आपसे बिल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बहुत घाटे में देश के अंदर यार मतलब आप अगर दो सौ रुपये आपको एन टी पी सी से बिजली दो सौ रुपये बिजली लेते हो आप टू हंड्रेड के बिल लेते हो आपको टू हंड्रेड रुपये सबमिट होना चाहिए ना यहाँ से बिल आया यहाँ पर बिल ही नहीं आ रहा होंगे से यार बिल नहीं भर रहा कोई या आपको सब्सिडी आपने फार्मर को इतनी ज़्यादा दे दी है कि अर्बन यूजर यूज़ ही नहीं कर पा लाइट वहां पर तो समस्या हो गई अपने लिए तो कहीं ना कहीं डिस्कॉम बहुत घाटे में है इस समय सरकार बचाने का बहुत प्रयास कर रही है डिस्कॉम को हमारे यहाँ पर लेकिन पावर सेक्टर बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है दूर बिल्कुल नहीं है सरकार ने बहुत रिफॉर्म के प्रयास किए हैं उदय स्कीम लेकर आ गए इनके लिए आई स्कीम लेकर आ गए बहुत सारी स्कीम लेकर आ चुकी सरकार इनके लिए फिर भी घाटे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो डिस्कॉम के ऊपर अगर स्कीम आपकी पूरी पर डिपेंड करती है ये तो डिस्कॉम और एम्पावर्ड नहीं होंगे मुश्किल है अपने आप

टॉपिक तैयार हो जाएगा दोस्तों हमारा ये आगे बढ़े हम लोग यहाँ से ओके चलिए फटाफट लिखो जल्दी ओके लिख दो फर्स्ट ओके मालूम पड़ जाए क्लियर है हमको यहाँ पर ठीक है सर सब कुछ ठीक है बहुत चलो मूव टू अनदर टॉपिक वर्कस नॉट टेक्नोलॉजी शुड भी बिल्कुल अच्छी बात है तो अच्छा आर्टिकल है ये भी तो सुन लेते हैं ये भी एक आर्टिकल आर्टिकल है हमने देखा मनरेगा में दोस्तों मनरेगा क्या मनरेगा एम जी नरेगा एम जी नरेगा मनरेगा में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सुना है इसका नाम बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम बायोमेट्रिक लगाओ काम डन पैसा काउंट में आ जाएगा मतलब आप सुबह पहुँचो अटेंडेंस लगाओ अपनी जब जाओ अटेंडेंस बायोमेट्रिक साइन होगा आपका आपको रजिस्टर पे साइन नहीं करना अंगूठा नहीं लगाना है बायोमेट्रिक होगा जो होगा और तो सरकार के रिकॉर्ड में आ जाए कि आपने दिन में मजदूरी की है आज आपके अकाउंट में उस दिन दिन की वेज वेज या उसके दस दिन का वेज एक साथ आ जाएगा तो आधार पेमेंट सिस्टम प्रकार से बायोमेट्रिक इनेबल्ड अटेंडेंस मैं कहूँ मनरेगा के अंदर अच्छी बात है आ गई है तो अब इसे क्यों लाया गया क्योंकि बहुत सारे फेक यूजर आ जाते थे या फेक एम्प्लॉय आ जाते थे वहां पर काम करने के लिए मनरेगा कार्ड मेरे नाम का बना है मैं किसी और को भेज दूँ वहाँ पर काम करने के लिए मैं शहर बैठा बैठाऊँ मेरे कोई और जाके काम कर रहा है काम नहीं कर रहा पैसे मिल रहे हैं उसको या जो काम कर रहा है उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं अकाउंट में उसके तो बहुत सारे फेक थे बहुत सारे एक्सक्लूजन था बहुत सारे कहूँ मैं अनवॉन्टेड लोग शामिल थे मनरेगा के अंदर तो उन सबको वीड आउट करने के लिए मनरेगा को जोड़ दिया गया आधार निर्बल पेमेंट सिस्टम से सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि बहुत सारी समस्याओं को हल हो जाएगा मनरेगा बड़ी योजना है देश की ट्वेंटी फाइव करोड़ हमारे यहाँ फैमिली जुड़ी है मनरेगा के साथ सब बताया थी है सरकार हमको पच्चीस करोड़ तो पच्चीस करोड़ लोग जुड़े हैं पच्चीस करोड़ परिवार तो नहीं कहूँगा मैं पच्चीस करोड़ लोग जुड़े होंगे इस कार्यक्रम से क्योंकि हर साल पाँच से आठ लाख लोग जुड़ते हैं मनरेगा से तो पाँच करोड़ मतलब तो पाँच सात आठ करोड़ फैमिलीज होंगी घुमला मिलाकर वो आधार पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग टेक्नोलॉजी होना अच्छी बात है बट लेकिन अब सरकार ने कहा है कि जिनका बायोमेट्रिक मैच नहीं करेगा जिनका जिनका उनका थर्मल मैच नहीं कर रहा है या इंटरनेट शट डाउन है किसी जगह पर इंटरनेट अपडेट नहीं है कहीं पर या कुछ और टेक्निकल इश्यू आ गया कहीं पर अगर तो उस केस में उस वर्कर को शामिल नहीं किया जाएगा यानी कि आप बस बायोमेट्रिक लगा सकते हैं वो नहीं मैच किया नहीं इंटरनेट आ रहा मशीन खराब हो गई है वॉट आपको सैलरी नहीं मिलेगी आपका काम नहीं माना जाएगा यानी आपने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बनाया लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बना दी कि वहां पर ह्यूमन वेलफेयर वर्कर वेलफेयर को आपने साइड कर दिया और इम्पोर्टेंट बात है वो लोग कौन है वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंपावर्ड हो ठीक है यार ये नहीं तो मेरे पास और कुछ काम करने को है मेरे पास ये सैलरी तो और कुछ काम कर लूंगा मैं मेरा बायोमेट्रिक नहीं, नहीं मिल रहा सिम नहीं मिल रही दूंगा सिम खरीद लूंगा या मैं किसी और को दे दूंगा वो कर देगा मेरे लिए काम ये गरीब व्यक्ति है देश का सबसे वंचित तबका है और इसको आप टेक्निकली बाहर कर रहे हैं चीजों से तो सीधी मार्च पर पड़ रही है जी हाँ तो हम लोग बात करें इस पर एक बार तो यहाँ पर राइटर बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहता है कि आधार बेस सिस्टम आ गया हमारे यहाँ पर मनरेगा में लागू भी हो गया दोस्तों ये मनरेगा में लागू भी हो गया है और सरकार का मानना है सरकार ने साल सर, बजट भी काफी अच्छा खासा हाँ खर्च कर रही है मनरेगा पर इस हाँ साल सरकार का बजट भी है मनरेगा पर अच्छा खासा खर्च करने का है सरकार का यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर हम देखें रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को जोड़ा जा रहा है इस सिस्टम से पहचान पत्र के रूप में जोड़ा जा रहा है कई समस्याएं आ रही हैं जैसे कि इंटरनेट ना होना एक बड़ी समस्या है फिंगरप्रिंट मैच ना करना एक दो समस्या है डिफिकल्टी फेस बाय द डिसेबल्ड जो दिव्यांग लोग हैं उनको मुश्किलें आ रही हैं वहाँ पर साइन करने में अनरिकॉर्डेड वर्किंग डेज नेम डुप्लीकेशन लैक ऑफ अवेयरनेस एर लिंकिंग ऑथेंटिकेशन एलिमिनेशन ऑफ नेम्स डिस्पेंस इन द नेम स्पेलिंग इशूज इन द सीडिंग बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं हमारे यहाँ पर मनरेगा एंड पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर के लिए आप स्कीम लेकर आए वो जानते ही नहीं क्या मैं करूँ उसका समाधान मेरा अंगूठा मैच नहीं कर रहा मैं क्या करूँ उसके लिए मैं कहाँ जाऊं उसके लिए सरपंच साहब सामने खड़े हो कुछ नहीं कर सकते वो तुम्हारे तो लिए मैं कहा जाऊं तो यहां पर बात आती है जिससे हमारे ईडी ने करता है ना उसके ईडी अरेस्ट कर लिया अब तुम बताओ तुम निर्दोष हो अब मैं जेल में पर, मैं कहता हूँ निर्दोष हूँ यार मैं तुम्हें जेल में डाली उठा के मुझे मैं कहता हूँ निर्दोष हूँ तुम साबित करो मैं दोषी हूँ यार तब तो छोड़ दो मुझे मनरेगा मजदूरी हाथ वही हो गई है तुम्हारा बायोमेट्रिक मैच हो तुम बताओ क्यों मैच कर रहा तुम्हारा आईडी मैच कर तुम बताओ क्यों नहीं कर रहा इंटरनेट नहीं रहा तुम गलती है तुम्हारी अरे मैं क्या करूं भाई इसके अंदर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा आपकी मशीन नहीं चल रही आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा मेरे पास आधार कार्ड है पाकिस्तानी थोड़ी हूँ मैं कोई यहाँ पर लेकिन भुगत कौन है एंड ऑफ द द डे है वर्कर्स आर लिटिल एट फॉल्ट जी उसकी गलती नहीं रहा है ठीक है हाँ रिसर्च ये दिखाती है हमको यहाँ पर कि लगभग 26 करोड़ मनरेगा वर्कर हैं दोस्तों समझ सकते हैं आप मनरेगा वर्कर है उसमें दो हजार बाईस में से लगभग पांच करोड़ वर्कर को बाहर कर दिया गया है जी हाँ छब्बीस करोड़ मनरेगा वर्कर थे फाइव करोड़ वर्कर को हटा दिया गया उनके नाम डुप्लीकेट थे या उनका मैच नहीं कर रहा अंगूठा या कोई भी कारण हो सकता है वो डुप्लीकेशन था या वो मनरेगा कार्ड उसका होना ही नहीं चाहिए वहां पर हो सकता है कई सही लोग हटाया हो कई बहुत सारे ऐसे लोग आया जो वीट थे बहुत सारे ऐसे लोग आए जो गलत थे उनको हटा दिया लेकिन पांच को आए छब्बीस में से आपने तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो रियल बेनिफिशियर होने चाहिए थे जिनको होना चाहिए था इंक्लूडिड स्कीम के अंदर वो भी थे हिंदू की रिपोर्ट कहती है दोस्तों यहाँ पर

मजदूरों को छोड़ दिया है मर्सी ऑफ़ टेक्नोलॉजी पर 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 इनकी की दया पर आप देखो हम नहीं जानते कुछ यहां पर, और कहीं ना कहीं बची है, ये। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों लोग यहां पर। तो कुल मिला के लास्ट में राइटर कहता लास्ट में राइटर कह रहा है लेस प्रायोरिटी एंड वर्कर्स इवन स्केल जी हाँ यहाँ टेक्नोलॉजी को सरकार ने चूपर रख दिया है टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है

टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं सस्टेबल करना चाहते हैं इंक्लूसिव करना करना चाहते है, करना चाहते है, कर हैं हैं सस्टेनेबल या टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसलिए कि टेक्नोलॉजी चाहते हैं हमें समझना होगा और यह बात मैं केवल मनरेगा के सेंस में नहीं कह रहा हूँ एबीएस के सेंस में हर जगह में कह रहा हूं बहुत सारी बातें हैं मतलब यूपीआई को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं टेक्नोलॉजी सबसे हमारे आगे बढ़ी है हमारे यहाँ पर यूपीआई ने जो क्रांति की है देश के अंदर वो अपने में मिसाल है कि हमने इतने करोड़ अकाउंट जोड़ लिए हैं लोगों के और इतने लोगों को ट्रांक्शन करने में मदद कर रहा है यूपीआई दो राय नहीं है अच्छा काम है लेकिन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी बढ़ाया जाए या टेक्नोलॉजी को ह्यूमन में आगे बढ़ाया जाए ये बड़ा सवाल यही है कि हमें टेक्नोलॉजी लेकर आना है हर फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी करना है अब आपको याद है आपको कोविड याद होगा ऑनलाइन एजुकेशन बस ऑनलाइन करना है बच्चे के पास क्या कंटेंट जा रहा है वो क्या पीडीएफ पढ़ रहा है पढ़ भी पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा, उसके पास हैंडसेट है क्या नहीं मोबाइल टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए क्या हुआ ऑनलाइन क्लास का सामने ऑनलाइन क्लास सस्टेन नहीं कर पा रही वहां पर स्कूलों में ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई है कर दी कुछ दिनों में वो मॉडल सफल नहीं हो रहा वहां पर

हम एक्चुअल बेनिफिशरी को ध्यान नहीं रख रहे हैं ठीक है तो किसी भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का यूज़ होता है कि अल्टीमेटली लोगों को फायदा मिलना चाहिए ना कि तकनीक को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य होना चाहिए ठीक है चलिए तो यू एन डी कह चुका है भाई अच्छा कार्यक्रम मनरेगा काफी आपका यू तारीफ कर चुका है वर्ल्ड बैंक तारीफ कर चुका है मनरेगा की तो इतना अच्छा था, प्रोग्राम जब चल रहा है समानता खत्म कर रहा है लोगों को जोड़ रहा है जेंडर गैप खत्म कर रहा है ऐसे मनरेगा को रोका नहीं जाना चाहिए तकनीक के भरोसे इसको सूली पे नहीं चढ़ाया जाना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊंगा आपसे मतलब आप सोचिए क्या बड़ा प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं आपसे इससे बाहर आ जाऊँ मैं इस पे ध्यान रहेगा आपका मैं याद करूँ सरकार की ठीक पाँच साल पहले की बात 2019 का बजट आया था ठीक है ठीक है उस समय आचार संहिता नहीं लगी थी फरवरी एक के आसपास आया होगा समझ सकते हैं मार्च में लगती है हमारे कोडकनट इस बजट में सरकार ने घोषणा की पीएम किसान सम्मान निधि की याद होगा आपको है ना पीएम किसान सम्मान निधि इस सम्मान निधि में कहा गया कि एवरी फोर मंथ किसानों को दो हजार रूपये दिए जाएंगे जो मार्जिनल होंगे स्मॉल फार्मर्स होंगे यानी छोटे और सीमांत किसानों को जिनके पास लेस देन टू हेक्टेयर जमीन होती है उन्हें सरकार आइडेंटिफाई करके छह हजार देगी साल भर में ठीक है इम्प्लीमेंट किया गया चुनाव के पहले इम्प्लीमेंट हो गई स्कीम ये दिसंबर वाली पैसा दे दिया गया और फिर एक आते आते मार्च में एक और किस्त दे दी गई यहाँ पर तो चुनाव से पहले दो किस्त पहुंच गई किसानों के पास अच्छा रहा मतलब दिसंबर तक तो अप्रैल तक तो आते आते किस्त और आ गई मई में सरकार आई दोबारा बनके जून फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में फैसला किया गया कि मार्जिनल और सीमांत किसानों जो मार्जिनल है स्मॉल फार्मर है उनकी पहचान नहीं हो पा रही है टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास इसीलिए सब किसानों को दिया जाए ये मुझे याद भी याद है मार्जिनल स्मॉल मीडियम

कि यार किसी का अंगूठा नहीं मैच कर रहा है तो उसके लिए तो जांच कर लीजिए बाद में व्यक्ति वे एलिजिबल था कि नहीं अगर अंगूठा मैच क्यों नहीं कर रहा था अगर वो कल्प्रिट था दोषी था अगर वो था मामले का तो पनिश कीजिए उसको भी आप गलत तरीके से कागज दिखा के आपने मंडरा कार्ड बनवा लिया अपना लेकिन

थर्टी फाइव परसेंट ऐसे वर्कर जिनके पास जॉब कार्ड है लेकिन उसका तो उस 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 तो मतलब नहीं जाएगा फिर पर। और वो वो जो अपने हक की लड़ाई में लड़ सकता है शायद वो दावा नहीं कर पाएगा ऑफिस में खड़े हो पाएगा बाबू साहब के सामने बाबू साहब मेरा कार्ड क्यों नहीं बना है वो आप कहने योग्य भी नहीं है इस समय हमें उनको मदद करनी होगी हाथ पकड़ के आगे ले जाना होगा उनको नहीं भाई जो नहीं बस मैच करो कोई बात नहीं बाहू पैसा मिल जाएगा आपको आप इस बार साइन कर दो रजिस्टर पे यहाँ पर उठा लगा दो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे पीछे से क्या गलती है क्यों मैच नहीं कर रहा आपका और आप जैसे ही ये वादा करते हैं किसान को या उस मजदूर को ट्रस्ट पैदा होता है सरकार के ऊपर ट्रस्ट पैदा होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर कि नहीं तो कोई बात नहीं हमारे पास ये है ये सिस्टम में करना होगा शायद हम लोग कहते हैं सरकार ना हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं हम लोग ये आपको काम करना रहा गरीब व्यक्ति के साथ क्या बात क्लियर हुई दोस्तों आपको यह सोल्यूशन आया मेरा यहाँ पर तो टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है अपने आप में द द टू ऑलवेज रिमेन वर्कर्स एंड देयर दायरिटीज सिक्योरिटी द प्रायरिटी हमेशा तकनीक नहीं होनी चाहिए प्रायोरटी हमेशा आजीविका होनी चाहिए आजीविका प्रायोरिटी है तो फिर आप उसको पैसा दीजिए उसके बाद बात, बात कीजिए गारंटी है ना गारंटी उसकी आपने गारंटी दी है व्यक्ति को हर व्यक्ति को

मतलब रिटली आपको लगेगा कि यार मजाक बना रखा है देश का कुछ लोगों ने यहां पर ईडी ने तो मजाक बना रखा है इस देश का मतलब लिटरली मजाक बना रखा है मतलब एसेंस समझा दो मिनट के अंदर आपको मैं इस केस का ईडी एक व्यक्ति को पकड़ती है पहले तो आ, मैं कहू मामला का जानते थोड़ा सा यहां पर एक, एक अधिकार का नाम देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से ये थे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के थे इन्होंने एलजी को एक लेटर लिखा कब की बात है ये जुलाई 2022 में आज से लगभग दो साल पहले लेटर लिखा एलजी को उन्होंने कि जनाब एलजी साहब ऐसा हुआ ऐसा है कि दिल्ली में एक स्कीम बनाई थी लिकर पॉलिसी बनाई थी शराब नीति बनाई थी दिल्ली सरकार ने उसमें करप्शन हुआ है और उन्होंने नीति बदल दी है ठीक है तो एक्साइज पॉलिसी दो एक के नवम्बर में बनाई थी इन लोगों ने और बाद में इसको ख़त्म कर दिया बाईस में सात महीने पॉलिसी चली इनकी ये और सात महीने बहुत करप्शन हुआ इसमें ठीक है ये कहना था इसका, चीफ सेक्रेटरी का एल साहब को पत्र लिखाना ठीक है यहाँ पर कोई समस्या नहीं है उसके बाद सुन लीजिए पाँच मिनट केस दीजिए थोड़ा मैं जैसा करता हूँ आर्टिकल पर उसके बाद जब एलजी के पास लेटर आ गया तो एलजी ने आरोप लगाया कि यह मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है और जो आरोप लगाया गया उसमें यह था कि एक साउथ की कंपनी है कोई साउथ के लोग हैं कुछ साउथ की कंपनीज हैं कुछ एल्कोहल बनाने वाली कंपनीज हैं शराब कंपनियाँ हैं उन्होंने आप पार्टी से वादा किया है आरोप लगा आप पार्टी से वादा किया है कि वो ऐसी नीति बनाते हैं अगर तो वो सौ करोड़ रुपये देंगे जिससे वो गुजरात या गोवा और कहीं एक राज्य और नाम आएगा वहाँ वो चुनाव गोवा पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए पैसा देंगे वो आपको गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए वो साउथ के लोग पैसा देंगे ये आ, बात आई सौ करोड़ रुपये देंगे इस काम के लिए तो सौ करोड़ मिलेगा पार्टी को चंदा दी ऐसी नीति बनाती है वो तो बना दी गई साथ में बंद कर दी गई स्कीम पकड़ में आ गई लोगों को तो ठीक है तो यहाँ पर यह बात है इसमें इनका स्कैम बढ़ गया अब यहाँ पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया अब ईडी ने पहले उन व्यक्ति को उठाया जो साउथ की कंपनियों के लोग थे जो आरोप जो इसमें इन्वॉल्व थे जो लीकर पॉलिसी या लीकर डिपार्टमेंट से जुड़े थे वहां पर उनको पकड़ा वैसे ईडी ने वहाँ पर उन लोगों से पूछताछ शुरू की ईडी पूछती रही कौन कौन को पैसा दिया किसको पैसा दिया कौन को पैसा दिया नहीं बताया मतलब दो डेढ़ साल तक बताने को तैयार ही नहीं है वो लोग फिर ईडी को पकड़ती गई के, के करके यहाँ पर कविता को अभी पकड़ा कुछ दिनों पहले उन्होंने पर पर के कविता जो वहां पर एक प्रकार से एस की लीडर है तेलंगाना में फिर कुछ और लोगों को पकड़ा हाँ पर एम पी या अब देखें हम लोग राघव मुगुंता की बात करें शरद चंद्र रेड्डी की बात करें बहुत लोगों को पकड़ा ईडी ने कोई तो बोलो कि पैसा दिया है आपको कोई बोलो तैयार नहीं था फिर एक व्यक्ति ने कहा मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं सरकारी गवाह बनने का मतलब होता है कि मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए जो काम हमने किया गलत उसके लिए मुझे माफ़ी मिल जाएगी मैं मुझे मैं मुझे बेल मिल जाएगी और मैं इस से फ्री हो जाऊंगा आपको मिलाकर तो सरकारी गवाह बनता है और वो कहता है कि हाँ आप पार्टी को हमने पैसा दिया था सौ करोड़ रुपये हमने डील हुई थी हमारी जो भी बताया होगा उसने शरद चंद्र ये व्यक्ति जो शरद चंद्र रेड्डी साहब हैं और जैसे ही इन्होंने कहा अभी शरद चंद्र रेड्डी कौन है अरविंदो फार्मा के को के बेटे हैं यानी अरविंदो फार्मा कंपनी से जुड़ा लिंक इन अरविंदो फार्मा कंपनी जब ये जेल में थे शरद चंद्र रेड्डी पे केस केस बन रहा था लिकर केस का जब ईडी पूछताछ कर रही थी तब अभी आता इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला देखा जाता है कि अरविंदो फार्मा ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा दिया है एक विशेष पार्टी देश पार्टी को देश की नाम नहीं लेना चाहिए एक पार्टी को फंड दिया उन्होंने अब किसको दिया वो ढूंढते रहेगा और उसके बाद ऐसा आरोप लगाए जाते हैं कि ईडी ने उनको गवाह बना दिया और इन्होंने छोड़ देंगे आपको आप गवाई दे दो कि बस ये आप पार्टी का नाम था इसमें उस व्यक्ति ने सच बोला झूठ बोला लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि आप पार्टी को इतने पैसे दिए ये लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर सरकारी गवाह बन गया वो गवाह बनते ही अब ईडी ने धरपकड़ चालू की शिक्षा मंत्री दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के और ऑफकोर्स अब अफ अल्टीमेटली दिल्ली के सी क्योंकि अब ईडी मानती है इस सबके किंग पिंग इस सबके सब कुछ करता धरता मिस्टर केजरीवाल हैं क्योंकि उन्होंने शराब कंपनी से पैसे लिए सौ करोड़ अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने गोवा पंजाब के चुनावों के लिए कुल मिलाकर एक व्यक्ति को पकड़ा गया पहली बात तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी एलजी को कि कुछ गड़बड़ हुई है शराब पॉलिसी गलत थी उसके बाद ईडी ने साउथ के कुछ लोगों को पकड़ा साउथ के शराब निर्माताओं को कई दिनों तक तो जेल में रखा कोई कुछ नहीं बोला एक व्यक्ति तब बोला जब उसने कहा सरकारी गाँव बन जाता हूं मैं उसके उसकी कंपनी द्वारा एक पार्टी को फंडिंग दी गई इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए गए सब कुछ जुड़ा है अपने मतलब कुछ भी नहीं है यहां पर अगर व्यक्ति सरकारी गवाह बनता है गवाही देता है कि हाँ, इस पर व्यक्ति ने पैसा लिया था चलो यहां तक भी हम मान सकते हैं कोई समस्या नहीं है बहुत लीगल केस चल रहा है अब यहां पर ईडी पूछताछ कर सकती है अब यहाँ कानून क्या कहता है हमारा वो सुनेंगे आपके साथ कानून ये कहता है इसके बाद हमारा तो यहां पर हम देखें तो उन्होंने कहा पैतालीस करोड़ रुपया दिए पहले हम गोवा चुनाव के लिए सौ करोड़ को मिलाकर दिया इनको हमने यहाँ पर अब यहाँ पर एक इनपॉइंट बात है कोर्ट पहले भी कई मामलों में कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है ईडी से यदि कोई व्यक्ति कोई आरोपी जो सरकारी गवाह बन गया वो वो अपनी बात कह रहा है अब कोई आरोपी कहता है कि मैंने ऐसा क्राइम किया और ये मेरा पार्टनर था उसके से बहुत सिंपल भाषा में यहाँ पर राइटर कहता है कि मान लो मैं एक आरोपी हूं मैं जेल में हूँ ईडी मुझसे पूछताछ कर रही है आशीर्वाद तुमने भेड़ चुराई मैं कहता हूँ मैंने भेड़ चुराई पहले मना करता हूँ नहीं चुराई नहीं चुराई नहीं चुराई फिर मैं कहता हूँ मैंने भेड़ चुराई और मेरे संग वो पार्टनर भी था मेरा जेल के बाहर है समय हम दोनों मिलकर भेड़ चुराई थी हम दोनों ने मिलकर ठीक है दोनों चुराई भेड़ अब मिलकर अब ईडी उससे पूछताछ करेगी व्यक्ति पकड़ के लेकर आएगी ईडी बिल्कुल सही बात है आप क्योंकि आपको आरोपी कह रहा है ना उस व्यक्ति को मैंने हमने मिलकर चुराई है भेड़ अब उसके बाद कोर्ट ये कहती है कि आधार पर गिरफ्तारी नहीं सकती पे हो सकती केवल आधार इस आधार पर होगी कि जो मैंने बात कही कि हमने चुराया इसके लिए सबूत मिले के नहीं मिले आपको इसके साथ कि दोनों लोग इन्वॉल्व थे अब मैं कहूं कि मैंने और उसने मिलकर भेड़ चुराई और वहां पर एक्स नाम की जगह पर कॉर्न प्लेस के उस घर में भेड़ की खाल रखी हुई है इसका मतलब आपने भेड़ की खाली पकड़ ली इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि उस व्यक्ति ने भेड़ चुराई थी मेरे साथ मिलकर हाँ, उस व्यक्ति के घर से भेड़ की खाल मिले आप फिर कहेंगे ये व्यक्ति दोनों जिम्मेदार है यानी कि आपको जो मुखबिर बन गया है जो सरकार का गवाह बन गया है उसकी बात के आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसके खिलाफ एविडेंस ना हो आपके पास फिजिकल एविडेंस ना हो उसके खिलाफ यानी कि रेड्डी मिस्टर रेड्डी जो केजरीवाल के खिलाफ कह रहे हैं बात ठीक है बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल दोहराई नहीं हो सकता है लेकिन ईडी को सब्सटेंशियल प्रूफ लाना होगा

जो अप्रूवर मतलब जो मिस्टर रेड्डी है जो अप्रूवर है इस केस में जो गवाह बन गए सरकारी गवाह बन गए हैं वो अप्रूर कहूंगा मैं और एक्यूज कौन है यहाँ पर इस केस में मान लो जो केजरीवाल भी एक्यूज है वो भी अक्यूज है तो जो अप्रूवर बन गया अप्रूवर की बात से काम नहीं चलेगा ईडी को सबूत देना होगा कॉर्बरेट करना होगा उसकी बात को एविडेंस के साथ कि जनाब मेरे गवाह मेरे जो मुखबिर है मेरा जो अब जो सरकारी गवाह बन गया है वो जो बात कह रहा है उसके साथ ये एविडेंस में दे रहा हूँ आपको तब केजरीवाल के खिलाफ केस बनता है ठीक है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईडी अरेस्ट कर सकता है ईडी जांच के लिए अरेस्ट कर सकता है क्या कोर्ट राय करेगा इसके ऊपर देखते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं उस पर हम नहीं जाएंगे सही हो सकता है सकता है तो यहाँ पर शरद चंद्र रेड्डी जो अप्रूवर के बैठा हुआ है आ, उसने कई सारे स्टेटमेंट दिए पहले तो मुकरता रहा कोई नहीं है कोई नहीं है जब यहाँ पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया अठारह महीने बाद जब ऑफकोर्स को कहा गया तुम्हें बेल मिल जाएगी जैसे उसने केजरीवाल का नाम लिया उसको मेडिकल ग्राउंड पे बेल दे दी गई जबकि आरोपी वो भी है और भी लोग हैं उसको बेल दे दी गई ठीक है अब यहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति हैं राघव मंगूटा जिनको माना गया इस केस में आरोपी उनको भी बेल मिल गई यहाँ पर जब आ, उनके पिता ने ईडी ईडी के, के सामने नाम लिए केजरीवाल का तब उनको भी बेल मिल गई यहाँ पर यानी जो जो केजरीवाल का नाम लेता गया उसको सका बेल देती है गई बेल देती गई यहाँ पर तो इम्पॉर्ंट बात यह है कि क्या वो लोग आरोपी नहीं है चलिए कोई बात नहीं तो यहाँ पर अब मिस्टर केजरीवाल का जो आ, कहना है कि ये एक एक्सट्रशन एक है अपने आप में ईडी का एक्सटॉर्शन है इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है एक्सट्रॉक्शन चल रहा है कि आप पैसा दे के छूट सकते हो आप बस गवाह बन जाओ और बोल दो इसका नाम व्यक्ति का ये इस पक्ष का कहना है यहाँ पर ठीक है चलो और यहाँ पर वो नाम भी ले रहे हैं बाकायदा अरविंदो फार्मा की बात करें डोनेट किया पचपन करोड़ बीजेपी को उन्होंने मतलब एक व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी जो जेल में है उस दिन भी बात कह रहा था जो व्यक्ति जेल में है एक लिकर केस मामले में मुख्य आरोपी है वो व्यक्ति उसकी कंपनी से आप फंडिंग कैसे ले सकता है पचपन करोड़ रुपए का ये बड़ा मुद्दा है यहाँ पर इसको जोड़ के देखना होगा लेकिन पूरे ईडी के डॉक्यूमेंट के अंदर ये बात को शामिल नहीं किया गया है अब सीबीआई की एसबीआई की रिपोर्ट भी आ चुकी है इलेक्शन डेटा भी सामने आ चुका है तो ये अगर है तो ये बड़ा एविडेंस है सन फार्मा के खिलाफ उस व्यक्ति के खिलाफ उसने गलत किया है वो किसी कहने पर काम कर रहा है तो पहले यहां पर फाइव करोड़ रुपीज दिए फिर पचपन करोड़ पच्चीस और दिए उन्होंने आफ्टर जब वो अप्रूवल बन गया तो पच्चीस करोड़ और दिए उन्होंने यहां पर तो अस्सी पिछासी करोड़ तो उन्होंने इस पार्टी को पोलिटिकल पार्टी को फंडिंग के रूप में दिया है और बहुत उस दिन बात कर रहा था भूल जाइए पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है मतलब नहीं है मेरे लिए मेरी बात यह है कि एक व्यक्ति तो जेल में है उसकी कंपनी से क्या एक के मामले में नहीं है धोखा देने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग में कोई व्यक्ति जेल में है क्या उसकी उसकी कंपनी से फंडिंग लेनी चाहिए हमें यहां पर देश हित की बात करें हम लोग तो एक मुद्दा ये भी है अपने आप में देखिए तो मैं सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं यहां पर सामने आपके

यानी आपके कन्वेनर को अगर फायदा हुआ है सौ करोड़ का आरोप लगाया गया है तो ऐसे में आप पार्टी का अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं आप <coughs> पार्टी के अकाउंट को सीज कर सकते हैं ईडी अधिकार है क्योंकि पीएमएलए कानून का सेक्शन ट्वेंटी नाइन ये कहता है सेवनटी कहता है सॉरी सेवनटी कहता है कि जो भी कंपनी के खिलाफ जांच होगी वो आपके कंपनी जांच होगी और कंपनी अगर धोबे पाई जाती है तो उसके अकाउंट सीज हो सकता है कंपनी है क्या पोलिटिकल पार्टी इसके लिए चलेंगे सेक्शन ट्वेंटी नाइन आरपीए के ऊपर हम लोग

आप पार्टी को खत्म करना आप पार्टी के अकाउंट को खत्म करना उसको उसकी फंडिंग को कंप्लीट रोक देना। ये एक नेक्स्ट स्टेप होगा ईडी ईडी का जो कर सकती है, है कोर्ट तो के सामने फेमस कोर्स मनाल दास स्टेट केस में यहाँ पर कोर्ट कह चुका है बिल्कुल यहां पर कि केवल की बात पर नहीं चलेगा आपको केवल टेस्टमनी हो गया है

उसको बेच का जो पैसा कमाया उससे आपको रिसीव कर पाए आपको एविडेंस लाना होगा यहाँ पर तो इम्पोर्ट बात अपने आप में ये आ, ये कानून है यहाँ पर तो देखते हैं कोर्ट में क्या होता है तो देखते हैं कोर्ट क्या करता है यहाँ पर क्योंकि अब दिल्ली कोर्ट को सुनवाई करनी है तीन तारीख को इस मामले की कि मामला बनता है कि नहीं बनता है या फिर सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा इसके बाद देखते हैं क्या होता है फर्दर हाल फिलहाल लेकिन बहुत सारे कानून इसके अंदर शामिल हो गए हैं अब एक मामला ईडी कह रहा है कि भैया हमने नौ बार बुलाया सीएम साहब को आई नहीं सी अरेस्ट किया तो क्या ईडी के समन पे ना जाना अरेस्ट कांड बन सकता है तो यहां पर केजरीवाल को नौ बार बुलाया गया समन जारी किया गया था तो उस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है संजय कुमार केस में संजय कुमार पवन बंसल वर्सेज ऑफ इंडिया केस में कि पर्सन कुड नॉट बी अरेस्ट बाय द ईडी फॉर मेयर नॉन बाई दॉन कॉर्पोरेशन तो समन जी हाँ कोई व्यक्ति आपके समन प्रति असहयोग दिखाता है तो आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं तो नौ बार हो नब्बे बार हो नौ सौ बार हो बुलाती रहे ईडी नहीं जाते हैं तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अरेस्ट किया है क्योंकि एक सरकारी गवाह ने मिस्टर केजरीवाल का नाम लिया है क्लियर आप लोगों दोस्तों बत? ठीक है तो ये केजरीवाल का मामला है सही गलत हम क्या करेंगे बोलकर लेकिन इन बात है कानून लीजिए कानून किस कानून के तहत तो गिरफ्तार किया गया पूरा इशू क्या चल रहा है टॉपिक तो क्लियर दोस्तों आपको मेरा ये क्या टॉपिक क्लियर है आपको ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है अपने आप में ना मतलब कोई भी कल कोई भी जेल में व्यक्ति बंद किया ईडी के पास अरेस्ट व्यक्ति को कह दे कि आशीर्वाद के संग में मैंने क्राइम किया था तो आशीर्व ठाकुर ले जाएगी ईडी तो अब तुम प्रूव करो आशीर्वाद तुम निर्दोष हो अरे भाई जिसने पकड़ा है जिसने मेरा नाम लिया उससे पूछो उसके एविडेंस होंगे उसके पास एविडेंस लेकर आओ तो गिरफ्तार करोगे ना मुझे बिना एविडेंस कैसे गिरफ्तार कर सकते हो आप मुझे यार मतलब ये तो ईडी की तानाशाही अपने आप में लॉ अपने आप में कह रहा है यार कि

ये जो ईडी का प्रावधान है कोर्ट में पेंडिंग है कांस्टिट्यूशनल बेंच में पेंडिंग है पूरा मामला पीएमएलए का नहीं कोर्ट में डिले क्यों कर रहा है क्योंकि देश में चुनाव के टाइम इस मुद्दे को सुलझाना पहले चाहिए था क्या ईडी के पास अधिकार हैं ये क्या जो लॉ है ये संवैधानिक है अपने आप में ठीक है यार मुझे कहीं कही जाने दोगे मैं अरे मैं कुछ शॉर्ट वीडियो बनाया था आज किसी ने लिखा वहाँ पर नहीं कुछ पहले लिखा था कि सर आपको ईडी करके ले जाएगी आप बहुत एक पार्टी खिलाफ बना, बना रहे हैं पार्टी खिलाफ नहीं बना रहा हूँ यार मैं मुझे क्या करना किसी पार्टी से यहाँ विशेष लेकिन फैक्ट की बात करते हैं हम लोग फैक्ट की बात करते हैं हम सुनते थे मालूम दूसरे देशों में कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने गिरफ्तार करवा दिया खालिदा जिया को पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डलवा दिया सेना ने वहाँ की नेपाल में वो जेल में डाल दिया विपक्षी नेता को सुनते थे हम लोग अभी ये जो सोलह थे इब्राहिम सोलह थे उन्होंने यमीन को जेल में डलवा दिया था पूर्व राष्ट्रपति को सुनते थे हम कहानियाँ मतलब इस प्रकार की विपक्षी नेताओं को जेल में डलवाना चुनाव के ठीक पहले सुनते थे कहानियाँ लेकिन मतलब हमारे देश में होगा ये सोचा नहीं था मतलब हमारे देश में भी हो गया हमारे देश में करप्ट नेता होगा इतने कि अब जेल में जाने लगे चुनाव का टाइम वो तो ठीक है यार मतलब का ही कहा जाए अब मतलब अभी मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा हूँ ये बांग्लादेश के चुनाव से जनवरी महीने मुझे याद है मैंने लंबा का वीडियो बनाया था इसके ऊपर मैं क्लास चल रही थी मैं ऑफलाइन क्लास में एक हट घंटे लेक्चर दिया था उसमें मैंने कि ये जो डेमोक्रेसी किल हो रही है बांग्लादेश के अंदर खालिदा जी जे मतलब उनके बेटे जेल में उनके बेटे को देश के बाहर कर रखा है म्यांमार में सेना जो करी पूरे नाम बताए थे सारे देशों के मैंने म्यांमार थाईलैंड से चल रहा था मैं थाईलैंड से आइए थाईलैंड में जाइए शिनवात्रा फैमिली म्यांमार में जाए जुमता सरकार बना मांगसान सू की जेल में है यार लोग और चुनाव करवा रही है सरकार बांग्लादेश का नाम लीजिए श्रीलंक मालदीव का नाम लीजिए पाकिस्तान का नाम लीजिए जो देश ले लीजिए भारत के आसपास हार में गुजर रहा था रशिया में पक्ष के नेता जेल में है बाकी लोकतंत्र है नहीं मिडिल ईस्ट में कहीं यूरोप में थोड़ा ठीक ठाक हालात हैं यूरोप में डेमोक्रेसी थोड़ी बची हुई है मान सकते हैं अलग प्रकार की डेमोक्रेसी है तो मतलब आप सोच सकते हैं यार मतलब स्थिति बहुत खराब है अपने आप में हांगकॉन्ग के चुनाव था हांगकॉन्ग में चुनाव था जो चीन का विरोधी नेता था वो जेल में था फिर चुनाव हो रहे हैं चुनाव किस बात करा रहे हो ना फिर आपको ये काम करना है तो और बड़ी बात वो ब्यूरोक्रेट यार मतलब वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं चल पॉलिटिकल प्रेशर तो हमेशा होता था उनके ऊपर लेकिन मतलब आप तो फ्रीली काम करती थी ब्यूरोक्रेसी चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे आपके साथ <coughs> That's it? Okay. छोड़े करते हैं कल कर मुलाकात करेंगे सीरिया के बारे में और टर्की के बारे में दोस्तों तीन कंट्री किए हैं मैपिंग करने का कर अलग से जानते हैं आप लोग तो लोग तीन क्लास में थे कल हमने दो तक ईरान और कल अफगानिस्तान किया था मैपिंग में आज वो किया एक अख्लास और होगी एशिया पे लूंगा दोस्तों में आपके साथ यहाँ पर ठीक है चलो तो कंटिन्यू uh, करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये पी आपको मिल जाएगी आप जानते हैं कहाँ पर अपने ऐप पर जाकर और ये नंबर दिया होगा दोस्तों स्क्रीन पर आपको उस पर आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप करके इससे आपको चैनल पर जुड़ा जा सके चैनल पर जुड़ जाइए आराम से ठीक है मुलाकात करते हैं कल फिर आपके संग ठीक है चलो मन नहीं कर हाइड्रोजन कराऊंगा टॉपिक हाँ बोर्ड पर कराऊंगा खड़े होकर हाइड्रोजन मज़ा तभी आएगा थोड़ा तो बड़ा टॉपिक अच्छा भी लगेगा मतलब हाइड्रोजन वाला टॉपिक बड़ा टॉपिक है एक घंटा लेगा वो बोर्ड पर कराऊंगा खड़े होकर मैं आपको तो कल ठीक चलो सो so, मिलते हैं दोस्तों भाभी आगे थैंक यू शुक्रिया शुभरात्रि